चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आईडी क्लास 10 मैथ्स। इसके अंदर कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर तो देखो, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ए बी सी ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके अंदर ये जो एंगल है वो मैंने लिख लिया इसके अंदर थीटा। थीटा एक सिंबल होता है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का। इसके अंदर इसकी जो थीटा की जो ऑपोजिट साइड है वो हो जाता है इसका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये इसके अंदर हो जाती है हाफ रेडियस, ये तीनों इसके अंदर होते हैं। अब सबसे पहले इसके जो अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 upon cosec थीटा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 upon cosec थीटा। और जो cosec थीटा है तो वो क्या होगा 1 upon sin थीटा। इसके अंदर सेकंड इसके अंदर देखो cos थीटा क्या होता है 1 upon sec थीटा, और sec थीटा इसके अंदर होता है 1 upon cos थीटा। यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। इसके अंदर थर्ड इसके अंदर जो होता है इसके अंदर वो होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है 1 upon cot थीटा, और जो cot थीटा है वो होता है 1 upon tan थीटा। तो ये भी क्या है एक दूसरे के लिए इनवर्सली। तो मेनली जो तीन फॉर्मूले इसके अंदर बताया इसके अंदर, उसके बाद कुछ और भी इसके अंदर फॉर्मूले है। तो देखो फोर्थ तो इसके अंदर है, जैसे tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है इसके अंदर, tan थीटा इक्वल टू होता है इसके अंदर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो cos थीटा इसके अंदर वो होता है इसके अंदर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है इसके अंदर। जो फिफ्थ है इसके अंदर जो इसके अंदर बता रहा हूं वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब सपोज मान लो इसके अंदर से आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो होगा 1 minus cos square थीटा, और cos square की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा 1 minus sin square थीटा। इसके अंदर जो 6 है इसके अंदर 1 plus tan square थीटा इक्वल टू sec square थीटा, ये सिर्फ फॉर्मूला है। अब सपोज मान लो आपको यहाँ से tan square की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा इसके अंदर sec square थीटा माइनस 1, और 1 की वैल्यू निकालनी है तो वो होगा इसके अंदर sec square थीटा माइनस tan square थीटा। 7 जो फॉर्मूला इसके अंदर है वो इसके अंदर है 1 plus cot square थीटा इक्वल टू cosec square थीटा। अब सपोज मान लो मुझे cot square थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा इसके अंदर cosec square थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू होता है इसके अंदर cosec square थीटा माइनस cot square थीटा। तो ये बेसिकली कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा sec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। यानी आपको ये तीनों फॉर्मूले फाइंड करने हैं, लेकिन जो टर्म्स होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए इसके अंदर cot थीटा। तो देखिए फर्स्ट जैसे मैं इसमें से निकालता हूं tan थीटा, तो आपको मैंने बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 upon cot थीटा, और जैसे मैं पहले कलर चुका हूं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 upon cot थीटा, तो tan थीटा हमारे डायरेक्टली इसके अंदर निकल गया। और सेकंड इसके अंदर देखो जैसे sec थीटा मुझे निकालना है, तो sec थीटा के लिए आपको कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। जैसे यहां पर देखो इसके अंदर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसके अंदर जैसे मैंने लिखा है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको लिखा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगेन sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस अब tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इसके इक्वल था 1 upon cot थीटा, तो ये भी क्या होगा 1 upon cot स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया cot स्क्वायर थीटा, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, और 1 को इसमें डिवाइड किया cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया cot square theta, cot square में डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से कर दो 1, तो हमारे पास में sec square theta की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो निकालना है इसके अंदर sec theta की वैल्यू, तो इस पूरे पर क्या आ गया अननोन आ गया cot square theta plus 1 upon cot square theta। अब देखिए sec theta equal
अब ये पूरा अनरूट इसके अंदर, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cot square theta plus 1, लेकिन यहाँ पर देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा cot theta। तो देखो sin theta की वैल्यू भी हमने cot theta में इसके अंदर निकाल ली। अब हमारे पास में क्या बचना है, sin theta। तो देखिए इसके बाद में थर्ड, sin square theta equal to 1 minus cos square theta। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, इसके अंदर देखिए sin square theta equal to 1 minus cos square theta। अब देखिए इसके अंदर sin square theta equal to 1 minus अब cos square theta, तो cos square क्या हो गया इसके अंदर देखो 1 upon sin theta, तो cos square क्या हो गया 1 upon sec square theta। इसको मैंने लिखा 1 upon sec square theta। अब देखिए इसके अंदर sin square theta equal 1 minus 1 upon sec square theta, और sec square theta की वैल्यू क्या थी, cos square theta plus, तो ये मैंने लिखा इसके अंदर cos square theta plus 1 upon sin square theta equal to 1 minus 1 upon cos square theta plus 1 upon cos square theta। अब इसका रिस्को का करते हैं इसके अंदर, तो sin square theta equal 1 minus cos square theta upon cos square theta plus 1। अब इन दोनों के अंदर ऐसे भी आ गए, ये आया cos square theta plus 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 का डिवाइड है इसमें, तो cos square theta plus 1, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करें क्या, ये आया cos square theta plus 1 minus cos square theta, cos square से cos square कैंसिल हो गया, ये आ 1 upon cos square theta plus 1। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास में sin square theta की, हमें निकालना sin की वैल्यू, तो sin की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर रूट आ जाएगा, ये आ गया रूट 1 upon cos square theta plus 1 sin theta is equal, अब 1 का रूट हो गया 1 upon root cos square theta plus 1, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सर, root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equal to sec theta minus tan theta। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे इसके अंदर है अनरूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम क्या करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे। तो रिस्टोरेशन में क्या होता है कि नीचे जो वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा, तो उसके अपोजिट साइड के 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पूरी वैल्यू अनरूट में, तो उसको भी हमने अनरूट में ले लिया, अनरूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसके अंदर ध्यान से, जब 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी को करूंगा तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे देखिए इसके अंदर 1 माइनस साइन थीटा के इसको मैं एचपीसी जैसे लिखा, इसके अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin square theta। अब तो जैसे मान लो इसके अंदर कि 1 minus sin square theta क्या होता है, इसके अंदर 1 minus sin square theta होता है cos square theta। अब देखिए इसके अंदर इन दोनों के स्क्वायर से, जैसे इसके स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो गया और इसके स्क्वायर से भी अनरूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में क्या आया 1 minus sin theta upon cos theta, इसके अंदर आएगी कि दोनों के स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो गया। अब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, तो एक बार तो आ गया 1 upon cos theta, एक बार आ गया sin theta upon cos theta। 1 upon cos theta क्या होता है इसके अंदर sec theta, और sin theta upon cos theta क्या होता है इसके अंदर tan theta। इस तरह से हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमने फाइंड कर ली इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसके अंदर, इसके अंदर हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इसके अंदर sin 4 theta minus cos 4 theta upon sin square theta minus cos square theta, हमें इसको सॉल्व करके आना है 1। अब देखो इसके अंदर मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं, इसके अंदर नीचे वाली टर्म को मैंने ऐसे लगा sin square theta minus cos square theta और sin 4 theta, तो sin 4 theta को भी लिख सकता हूं sin square theta का
होल स्क्वायर और cos 4 थीटा को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको एक आइडेंटिटी पड़ी होगी इसके अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a प्लस b a माइनस b। तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज करूंगा इसके अंदर। तो a हमारा हो गया sin स्क्वायर और b हो गया हमारा cos स्क्वायर। तो a प्लस b यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और a माइनस b यानी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे कैंसिल हो गया सेम चीज। तो हमारे पास क्या बचा इसके अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और आपको मैंने बताया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती 1। इसको हमने साइड में लिख दिया इज इक्वल 1। इससे से हमारी जो राइट साइड आ गई। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर जो क्या देखिए sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में क्या फाइंड करना है tan थीटा अपॉन sec थीटा फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास में cos थीटा अपॉन sin थीटा और ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने लिख दिया इसके अंदर। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया इसके लिए कुछ भी 1 तो cos थीटा और 1 का एलसीएम लिया तो हमारे पास में क्या है cos थीटा cos थीटा का cos थीटा में डिवाइड किया तो है 1 और 1 को 1 से किया तो 1 1 का डिवाइड किया cos में तो cos और cos को cos से किया तो इसका आंसर है cos में थीटा। इन दोनों का भी एलसीएम लिया हमने दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों को हमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमें लिखा sin थीटा डॉट cos थीटा। अब sin थीटा के इसमें डिवाइड किया क्या बचा cos का और cos को cos से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आया cos स्क्वायर थीटा। इसका डिवाइड किसके है sin और sin को sin से किया तो क्या आया sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जस्ट मैंने बताया आपको कितना आना इसके अंदर 1। तो ये आ गया 1 अपॉन sin थीटा डॉट cos थीटा sin थीटा से sin स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास में क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा। अब देखिए आप sin अपॉन cos क्या होता है इसके अंदर tan थीटा और 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा। तो ये हमारे कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। इससे से हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इक्वल 1 माइनस 3 sin 2 थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। इसको मैंने कन्वर्ट किया sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और एक आइडेंटिटी यूज की इसके अंदर मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b। ये आइडेंटिटी मैंने इसके अंदर यूज की। a हो गया हमारा इसके अंदर sin स्क्वायर थीटा और b हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके अंदर तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज के अंदर हमने सब लिख अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 और बाकी जो हमारे पास में बचा। तो हमने क्या किया इसको फॉर्मूला बनाने के लिए जैसे ये देखा है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा ऐड किया और माइनस भी किया इसको मैंने sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा और पीछे हमारे पास में क्या बचा है sin स्क्वायर थीटा
डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप देखिए इस पूरे को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या होता है, इसके अंदर पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर का प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पीछे कितना बचा जो टू टाइम्स, तो ये बचा और वन टाइम्स ये कितना हो गया थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर का डॉट कॉस स्क्वायर का। तो आइडेंटिटी मैंने यूज की, मैं लिख रहा हूं यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैं यूज की इसके अंदर। अब जैसा आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है इसके अंदर वन, ये हो गया वन का स्क्वायर माइनस थ्री साइन स्क्वायर का डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ रीजन भी लिखा इसके अंदर साइन स्क्वायर का प्लस कॉस स्क्वायर का इक्वल वन। अब देखिए आप वन का स्क्वायर दे दो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर का डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे इसके अंदर राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसके अंदर देखिए 90, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे इसके अंदर sin स्क्वायर का cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल sin थीटा, तो हमें इसको मैंने रीअरेंज करते हुए उसको लिखा हुआ है sin स्क्वायर का डॉट cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस tan थीटा डॉट sin थीटा, इसको मैंने रीअरेंज करते हुए लिखा इसको पूरा मैंने इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या रहा है इसके अंदर cos थीटा, तो यहां से cos थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ओनली sin स्क्वायर थीटा। अब ये cos क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा में से cos का बाहर आ गया, तो क्या बचा इसके अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये बचा हमारा, तो इसको मैं इसको लिख रहा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये हमारा sin थीटा। जैसा कि आपको मालूम है इसके अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये मैंने इसके अंदर लिखा कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन को साइन से क्या, तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। रीजन भी लिख दिया इसके अंदर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब देखिए इसमें से वन क्या किया, तो यह आया कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम लिया वन और कॉस थीटा आ गया, तो क्या आया मेरे पास में इसके अंदर कॉस थीटा आ गया, और वन के जब भी कॉस थीटा में डिवाइड करता हूं तो कॉस थीटा और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यह आया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से डिवाइड किया वन और वन को साइन से क्या लिया साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे मैंने पहले लिख चुका हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया मेरे 1 अपॉन cos थीटा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है इसके अंदर sec थीटा, इस तरह से मेरे लिए राइट साइड इसके अंदर ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 21, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डॉट sec थीटा, तो कौन सा रहने लगेगा मैंने इसके अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab, ये हो गया अभी इसमें लगेगा इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इन दोनों को साथ में लिख दिया मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
sec square क्या है, तो sec square क्या होता है 1 plus tan square theta plus 2 sin theta 2, cos theta क्या होता है 1 upon sin theta plus 2 cos theta, sec theta क्या होता है 1 upon cos theta, तो ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं इसके अंदर, देखो आप sin से sin कट, cos से cos कट, और sin से cos cos कट करने की तो होगी 1 plus 1 cot square theta plus 1 tan square theta plus 2 plus 2. अब देखिए ध्यान से 1 plus 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया हमारे पास 7 plus cot square theta plus tan square theta, इस तरह से हमारे क्वेश्चन की आंसर हमने कर लिया.